हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एक फुटबॉल का। कहाँ गई? तो गाइस ये है वो फुटबॉल और देखने में कुछ ऐसी लग रही है कि आईएसएल में भी ऐसी बॉल यूज होती है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा और इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू अच्छे से करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना गाइस। ये रही फुटबॉल की कुछ पैकिंग, इस तरीके से है। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, अभी थोड़ी देर पहले रिसीव हुआ है। तो करते हैं इसको अनबॉक्स और वीडियो को एंड तक देखना, इसकी प्राइस कैसी ये बॉल है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए और कहाँ से मंगानी है आपको, और मतलब कि कैसे इसका स्टफ है, सब मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस ये रही इसकी पर्ची जो हम नहीं पढ़ेंगे, और ये रही बॉल, इसको कुछ इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। निविया, और इसमें कुछ भी नहीं मिला, साथ में खाली बैग है। और ये रही बॉल, इसको भी फाड़ देते हैं, फटेगी ना यहाँ से? नहीं, बस यही है, यही है, काफ़ी चमकीला था, चमक नजर आ रही है आपको, काफी शाइनी। तो गाइस इसमें हवा भर लेते हैं जल्दी से। A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in. तो गाइस ये हो गई हमारी फुटबॉल खेलने के लिए तैयार। तो आप देख सकते हैं ये है निविया रबोना प्रो, इस फुटबॉल की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे दिया हुआ है इसका निविया रबोना प्रो साइज 5 साइज फुटबॉल, आपको पता ही होगा हम यूज़ करते हैं। और आप देख लीजिए हर एंगल से ये कुछ ऐसी दिखेगी। इसके अलावा ऑफिशियल वेट एंड साइज लिखा हुआ है इस पर, और काफ़ी अच्छा इसका सर्फेस लग रहा है बाहर का, TPU सर्फेस यूज़ होता है, जिसका फुल फॉर्म है थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरीथेन, यानी कि ये आपको रेजिस्टेंस और आपको ये एक टाइप से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी स्टफ लग रहा है इसमें, काफ़ी अच्छा स्टफ यूज़ किया गया है और स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी है गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हाथ में पकड़ते हुए, बाउंस करते हुए, जगल करते हुए फील बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और स्टिचिंग आप खुद ही देख लीजिए, काफ़ी सॉलिड स्टिचिंग और काफ़ी अच्छा क्वालिटी मटेरियल इसमें यूज़ हुआ हुआ है। ये सॉफ्ट और हार्ड ग्राउंड दोनों के लिए सूटेबल है और ये वाटरप्रूफ फुटबॉल है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा और प्रीमियम फील दे रहा है मुझे और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको पकड़ के, मतलब काफ़ी सही मुझे लग रहा है कि अच्छी बॉल मिल गई। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस है 530 का मुझे पड़ा था, फ्लिपकार्ट से मैंने इसको ऑर्डर किया था। और अगर आपको ऑर्डर करना है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि ये वही बॉल तो नहीं जो ISL में यूज़ होती है, तो नहीं गाइज ये ISL में यूज़ होने वाली बॉल नहीं है। जो बॉल ISL में यूज़ होती है उसका नाम है निविया स्टैंक, और वो दूसरी बॉल है, वो आपको 2000 के आसपास की पड़ेगी, उससे ज़्यादा ही होगी। और जो ये बॉल है ये है निविया रबोना प्रो, आप ये देख लीजिए इनकी कुछ फोटोज़। तो गाइस आई होप आपको ये रिव्यू और अनबॉक्सिंग इसकी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अगर आपको खरीदनी होगी तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है ये। बाकी गाइस मुझे तो अच्छी लग रही है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा गया मेरे लिए। और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।